चार साल का पेपर उठा के देखते हैं। एक चीज जो उसके अंदर नहीं पूछी है, पॉपुलेशन चैप्टर जो है ना अच्छे से रीड करके जाना। पॉपुलेशन चैप्टर ना अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि ना उसके अंदर ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे सेक्स रेशियो का डेफिनेशन तो अपने को आता है, ठीक है? क्या है सेक्स रेशियो का डेफिनेशन? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000। मतलब किसी जगह पे, किसी कंट्री में अगर मेल है तो उसको 1000 में कन्वर्ट करो और उस हिसाब से फीमेल्स का रेशियो कितना है। नंबर ऑफ फीमेल्स पे क्या डिपेंड करता है हमारा सेक्स रेशियो। अगर किसी कंट्री का हम लोग बोल रहे हैं कि सेक्स रेशियो ज्यादा है, मतलब वहाँ पे कौन ज्यादा है? फीमेल ज्यादा है, ठीक है? ये चीजें तुम लोग को जो है ना एमसीक्यू में पूछ सकती है। अच्छा, ब्राजील और इंडिया में सेक्स रेशियो हमेशा किसका ज्यादा रहा है ये बताओ? ब्राजील का। ब्राजील का सेक्स रेशियो हमेशा 1000 के ऊपर ही रहा है, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने आउट नंबर किया है किसको? मेल्स को, यानी फीमेल्स अभी रिसेंटली क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है? इस चीज को याद रखना, ठीक है? अभी रिसेंटली, लेकिन अपनी टेस्ट बुक जो है वो डेटा कभी का बताती है? 2011 तक का डेटा बता रही है, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रख के अपने को पेपर लिखने का, अपने को अभी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखने का होता है, ठीक है? अभी जैसे अभी जो है नंबर ऑफ फीमेल्स बढ़ गई है इंडिया में, लेकिन हम लोग को उस हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना होता है। हम लोग को लिखना किस हिसाब से होता है? टेक्स्ट बुक के हिसाब से। इस चीज को याद रखो, ठीक है? तो तुम लोग के जो क्वेश्चन में ना कहीं पे तुम लोग को वो दिखेगा, क्या बोलते हैं, पीछे वर्ल्ड क्वेश्चन में वो मेल्स और फीमेल्स बनी हुई ना डब्बे में, हाँ वो भी है, और मेन क्वेश्चन में भी है। मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना पीछे उसके अंदर दिख रहा है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 45 है। पेज नंबर 45 पे देखो क्वेश्चन नंबर 5A और 5B दिख रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर देखो क्या बोला हुआ है कि एक मेल जो है, एक मेल या फिर एक डायग्राम जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो वहां पे लिखा है 100 है, कितना 100 है ना? तो वो एक आदमी जो है उसको हम लोग कितना काउंट करेंगे? 100, ठीक है? ये सब आपको लास्ट में करेंगे, इस चीज को याद रखो। ये मैं वापस एक बार बता दूंगा, बताया हूँ मैंने, एक बार वापस से बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे होता है, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? वो चीज हम लोग करके जाएंगे। अभी आते हैं इसके ऊपर, ये हम लोग पहले भी कर चुके। क्या लिखा हुआ देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कब पूछा हुआ है अपने को? 19 में पूछा हुआ है। 19 का पेपर सबसे खतरनाक पेपर था, ये 19 में पूछा हुआ है, ठीक है? क्या है ये सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू द ग्राफ शोज, क्या बता रहा है? सिंपल सेक्स रेशियो दिखा रहा है, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? द अबव ग्राफ शोज द ऑफ, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? अगर तुमको गलती से फुल मार्क्स मिल रहा है तो इसका मार्क्स काटेंगे। ये इंडिया और ब्राजील का सेक्स रेशियो दिखा रहा है, ये क्यों नहीं लिखा? सिर्फ सेक्स रेशियो क्यों लिखा है ऐसा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन? इंडिया। देख करके बताओ या फिर याद भी रख सकते हो। हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन किसका रहा है हमेशा से? इंडिया का, क्योंकि इंडिया में जो है सेक्स रेशियो हमेशा कम है, और ब्राजील का सेक्स रेशियो हमेशा क्या है? सेक्स रेशियो ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा? तो फीमेल ज्यादा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंडिया आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन? हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन ब्राजील, ठीक है? इसका क्या आएगा? ब्राजील आएगा। फिर विच कंट्री हैज रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001 के बाद? ये देखो, ये 2001 है, यहाँ पे देखो क्या स्पाइक हुआ है, और ये है 2001। कौन सा लग रहा है तुम लोगों को ज्यादा? ब्राजील लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? वापस से ब्राजील आएगा। फिर क्या है, व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1961? इधर है ना, कितना आएगा? 940 आएगा। ये परफेक्टली हम लोग 940 लिखते हैं या कैसा लिखते हैं?
नाइन। अच्छा तुम लोग मेरे को बताओ सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे, व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया? द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1961 वाज 940, ये लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 940, 940 वुमेन थी खाली इंडिया में 1961 पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि हमेशा हमारा जो सेक्स रेशियो है वो किस में काउंट होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में काउंट होता है या तो पर थाउजेंड मेल में काउंट होता है। तो हम लोग इसका आंसर सीधा सीधा क्या लिखेंगे, द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 9 कितना है 40 ना 940 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल, क्योंकि सेक्स रेशियो दिया हुआ है तो हमको तो ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोग सिर्फ 940 लिख के आ रहे हो और फेल हो रहे हो तो मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वापस से वही बात है कि टॉप केसेस में अगर तुम्हारा नाम आ रहा है तो फिर उसके मार्क्स काटेंगे, ठीक है। 11-11 मार्क्स, 12-12 मार्क्स कटते सीधा 80 मार्क के पेपर में, 11-11 मार्क्स कट जाते हैं, बैठ के आराम से मॉडरेटर मार्क्स काटता है सामने की बात बता, ठीक है। तो 40 मार्क का पेपर है तो 4-5 तो काट ही सकते हो, तो तुमको सीधा 40 से 35 पे ला देंगे, बोलेगा ऐसा कैसा 40 ऐसा। तो ये छोटी मोटी चीजें होती है जो काटते जिसके मार्क्स। Which country has more than 1000 female population? 1000 female population तो अपना कभी गया नहीं, गया क्या? देखो 1000 इधर है, 1000 गया कभी? लेकिन यहाँ तो 1000 के नीचे नहीं आया कभी, आया क्या? 1000 के ऊपर ही चल रहा है ना, तो केस क्या आएगा यहाँ पे? ब्राजील आएगा, ठीक है। तो तीन आंसर तो ब्राजील ही है इसमें। समझ में आया कैसे लिखना है? समझ में आया तुम लोगों को पूरा स्टेटमेंट लिखने का है और जो रिक्वायरमेंट चीजें है ये सारी 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये सारी चीजें ऊपर का आंसर, ये सब तुम लोगों को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, अगर ये सारे ग्राफ्स ही आने वाले, इजी ग्राफ्स ही आते जिसको देख करके तुम कर सको। अब जो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ना वो अपने को ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये वाला ग्राफ अपन करके जाएंगे, इसके अंदर क्वेश्चन फिक्स है, इसके अंदर क्वेश्चन कुछ अलग नहीं पूछेगा तुम लोग अगर ये पूछ भी दिया तो, ठीक है। अब ऑप्शन तुम्हारे पास क्या रहता है इसके अंदर कि एक ग्राफ ड्रॉ करो और एक क्या करो आंसर करो। तो ड्रॉ करने में तुम लोगों को मेरे सिंपल ग्राफ्स ही देंगे वो लोग, जो नॉर्मल अपने नॉर्मल ग्राफ्स होते हैं ना, जो अपन नॉर्मल ऐसे बार ग्राफ बनाते हैं ऐसा 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 नॉर्मल वैसे ही देंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन उसमें क्या आएगा, उसके अंदर तुम लोग ग्राफ बनाओगे, उसके अंदर तुम लोग को स्केल्स लिखना है, उसके अंदर तुम लोग को एक्सिस बराबर लिखना है, सारी चीजें प्लॉटिंग करनी है, फिर उसके बाद वो तीन क्वेश्चन उसी पे पूछेंगे तुम। सिर्फ ग्राफ का 6 मार्क नहीं मिल रहा है ना, 3 मार्क ग्राफ का मिलेगा और फिर उसके बाद वापस से तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जो बना बनाए ग्राफ मिल रहा है ना वही अटेम्प्ट करो, ग्राफ बना के फिर टाइम पास करके इतना मतलब नहीं। इसमें जब तुमको आसानी से मार्क्स मिल सकता है तो फिर वो क्यों करने का, ठीक है। ये खाली एक डिफिकल्ट ग्राफ है, बाकी जो है सारे नॉर्मल ग्राफ्स है जो पूछे हुए अपने को अभी तक, देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट डज द अबव ग्राफ शो, क्या दिखा रहा है ये? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। देखो ये वाला जो आंसर होता है ना कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये हमेशा अपने को लिख के दिया हुआ रहता है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हर ग्राफ में तुम लोग को ये चीज जो है ना लिख के दी भी ही रहेगी, इधर भी देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये क्या किस चीज का ग्राफ है, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है ये हम लोग को, व्हाट डज द ग्राफ शो का आंसर क्या आएगा? द अबव ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपने को मेल और फीमेल दो अलग अलग पॉपुलेशन बता रहे हैं, तो हमने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि किसका पॉपुलेशन दिखा रहा है, हमने सिर्फ पॉपुलेशन बोल दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन वाला ग्राफ है, दो चीज का डिफ्रेंशिएशन बता रहा है ये, ठीक है। किसका किसका डिफरेंशिएशन बता रहा है, मेल और फीमेल का। तो हम लोग ये लिखेंगे इसका कि द अबव ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स मेल और फीमेल, ठीक है, इन द अबव ग्राफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ऐसा लिखो, ठीक है, ये आंसर रहेगा तुम लोगों का। फिर क्या बोला हुआ है, इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर, एज ग्रुप मतलब ये वाला, ये इसकी बात हो रही है ना, ये जो है 10 से 14, ये दोनों जगह 10 से 14 वाला जो पॉपुलेशन है वो अपना हाईएस्ट है, yes or no? देखो दिख रहा है 10 से 14 है ना,
तो 10 से 14 में ही सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है, इस चीज को याद रखो, चाहे ये इंडिया का बता रहा हो चाहे ये किसका बता रहा हो, ब्राजील का। दोनों में 10 से 14 के जो एज ग्रुप है उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है दोनों कंट्री में, ठीक है। ये फिलहाल तो इंडिया का ध्यान रखते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला भाई, व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ डेटा ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पहले होता कौन सा है, ये होता है ना, और क्या लिखा हुआ है, 0 से 4, फिर 4 से 8, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो क्या होएगा इसका, 4 होएगा कि क्या लिखेंगे, 0 से 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 years पक्का, 0 से 4, 4 से 8, हाँ चलेगा, 4 years का तुम लोग का क्या रहेगा, इंटरवल रहेगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, इन द एज ग्रुप अबाउट 60 years हुज पॉपुलेशन इज मोर, मेल और फीमेल, 60 years अबाउट 60 years पूछा है। 60 years हम लोग का कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, ये हम लोग का 60 year है। अब 60 year में ये हम लोग को पूछ रहे हैं कि किसका परसेंटेज ज्यादा है, मेल या फीमेल का, तुम लोगों मेल फीमेल में ज्यादा तुम दिख रहा है क्या, नहीं ना, ब्राजील में दिखेगा तुमको, ब्राजील के ग्राफ में दिखेगा, इसमें तुम लोगों को दिख रहा है क्या ज्यादा कम, कहीं में भी ज्यादा कम नहीं दिख रहा है ना। और अपने को कैसा है ना, अपने को एकदम परफेक्टली नाप के नहीं देखने का है, हम लोग को जो रैंडमली दिख रहा है ना वो दिख रहा है। तो अब इसमें हम लोग को ये पता चल रहा है कि दोनों का क्या है, सेम, क्या है, सेम। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे इसका, इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 60 इयर्स पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आर ऑलमोस्ट सेम या अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कभी भी ये जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स है ना ग्राफ के अंदर यूज करो, तुमको दिख रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में 940, एग्जैक्ट 940 पे वो टच हो रहा है, लेकिन आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली, समझ में आया, क्योंकि उनका खुद का डेटा जो है वो क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ये सारी चीजें यूज करेंगे। सेम और इक्वल तुम कोई भी चीज के लिए नहीं बोल सकते हो ग्राफ में, क्लियर रखो इस बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59, 55 टू 59 का फीमेल, ये है ना 55 to 59, इसमें नहीं रहा इसमें, ये ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये देखो ये है ना, ये एग्जैक्टली आ रहा है 2 पे, तो क्या लिखोगे इसका, द एज ग्रुप ऑफ, द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप 55 टू 59 इज 2%, अप्रोक्सीमेटली 2%, ठीक है, तुम लोगों को उसके अंदर दिख रहा है 2%, लेकिन लिख दो अप्रोक्सीमेटली 2%। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच एज ग्रुप ऑनवर्ड पॉपुलेशन हैज डिक्रीज, कब से डिक्रीज होना चालू हुआ, 10 टू 14 के बाद डिक्रीज होना चालू हो गया है ना, देखो 10 टू 14 पे हाईएस्ट है, उसके बाद कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एज ग्रुप 10 टू 14 के बाद हम लोग का क्या होना चालू हो गया है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम लोग, फ्रॉम 10 टू 14 द पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, सही सर, ठीक है, सिंपल। फिर आ जाओ नीचे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला ये है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये किसका है, ये ब्राजील का है, और ये किसका है, इंडिया का है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन ईयर 2016। अच्छा, ये वाले ग्राफ में मैंने कुछ बताया था, क्या करने का रहता, सबसे पहले माइनस करके लिख लो, सबका माइनस करके क्या कर लो, लिख लो, क्योंकि एट द एंड अपने को वही करना ही है। जैसे ये 41 माइनस 48 कितना आएगा, 7, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 7। फिर उसके बाद क्या है वो 54 और 48 कितना आएगा, 6। फिर उसके बाद 4 का है, उसके बाद 5 का है, उसके बाद 4, उसके बाद 1, ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे भी कर लो, 54 और 59 है कितना आएगा, फिर इधर 3, इधर 3, इधर 5, इधर और 2, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन ईयर 2016, इधर है ये इंडिया है, कितना है इसका, 68, ठीक है,
ठीक है, तो क्या लिखोगे आंसर में? द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 68, वाज 68 इन 2060, इसका आंसर है, सॉरी। फिर आगे क्या आएगा? इन ईयर 1990 हाउ मच वाज द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेयर टू ब्राजील, इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया, 1990 में कितना था? 65, और इंडिया में 1990 में कितना था? 58, तो कितना ज्यादा है? 58 और 65 कितना ज्यादा है? 7 साल, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज्यादा थी? 7 इयर्स, ठीक है। आगे क्या है फिर? हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया, ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राजील? 1980 में कितना था? 54, ब्राजील में 54 था कभी? कभी था 1960 में। तो इसमें दो स्टेटमेंट बन रहे, एक क्या बनेगा कि इन इंडिया द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 54 इन 1980 वाज हाउ मच? 54, एंड द सेम वाज इन 1960 इन ब्राजील, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद Which country shows an increase in life expectancy during the period 2010 to 60? 10 to 60 में किसका ज़्यादा increase हुआ है? 10 to 60 में यहाँ पे कितना है? और यहाँ पे कितना है? तो कौन है? ब्राज़ील का life expectancy ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आएगा? By how much was India's life expectancy lesser than Brazil in year 1960? 1960 में कितना था? 41, इनका कितना था? 54, तो कितना कम था? 54 माइनस 41 कितना आएगा? 13, ठीक है, 13 इयर्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आंसर करने का? इसके अंदर और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में इतना कम क्यों था स्टार्टिंग में, ये मतलब इधर नहीं पूछ सकता है इसके ग्राफ में, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है ऐसा कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में 41, ब्राजील का 54, तो ऐसा क्यों? ठीक है, एक ये रीजन है, ठीक है, तो ये भी मतलब क्या रीजन हो सकता है बताओ इसका? मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी ज्यादा उसी टाइम पे, अपने को इंडिपेंडेंस मिला था और फिर वॉर्स वगैरह हुए थे अपने उसी टाइम पे, सब कुछ हुआ था, वॉर वगैरह हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो सारी चीजें, फिर अपने पास मेडिकल उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, ब्राजील का इतना कुछ खास था नहीं, ब्राजील बस चल रहा चल रहा चला रहे, पहुंच के जरूर कर रहा हम करो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो वैसा है, ये ग्राफ देखे हो कभी? नहीं पूछा हुआ एग्जाम क्या है ये? जीडीपी वाला है, ठीक है। अपने को ये है ना सेम ग्राफ दिया हुआ है, बस अलग अलग टेक्स्ट बुक अलग अलग, ब्राजील अलग, इंडिया अलग, ये इसमें एक में डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन? सबसे पहले ग्राफ का नाम बताओ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्राफ को लाइन ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। अच्छा, लाइन ग्राफ इसको कब बोलेंगे पता है? जब एक होगा, जैसे हम लोग को जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, वो लाइन ग्राफ है, एक इंडिया का अलग लाइन ग्राफ है और एक ब्राजील का अलग लाइन ग्राफ है, इसके अंदर एक ही में दो है, मल्टीपल लाइन ग्राफ बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मल्टीपल लाइन ग्राफ, इस चीज को याद रखो, अगर एक में ही दोनों दिया हुआ है तो, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो अपन सिर्फ लाइन ग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके का जो है ना क्वेश्चन सब ग्राफ्स के लिए पढ़ के जाना, जितने भी ग्राफ्स अपने पास टेक्स्ट बुक में है ना सबके, जॉइंट बार ग्राफ कौन सा है, परसेंटेज बार ग्राफ कौन सा है, ठीक है, ये सब जॉइंट बार ग्राफ मालूम है, तुम लोग को जुड़ा हुआ रहता है हमेशा, ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे, फिर जिसमें सब में 100 तक जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखो, नॉर्मली पूछता है, इतना कुछ भारी वाला नहीं पूछता है, मतलब इसमें और बनाने वाले में ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स शोन इन द ग्राफ? फैक्टर्स शोन इन द ग्राफ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे रहता है इसका आंसर,
कि हम लोग को ये ग्राफ क्या क्या फैक्टर्स शो कर रहा है, क्या क्या शो कर रहा है फैक्टर, जीडीपी शो कर रहा है, ठीक है, और क्या बता सकते हो तुम लोग ग्राफ देख के, चलो जीडीपी शो कर रहा है और क्या, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्या परसेंटेज ऑफ जीडीपी शो कर रहा है, और डेटा ये है कि 1960 से 2016 तक का जीडीपी शो कर रहा है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ ग्राफ का मतलब ये होता है कि आपको ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो हमको इंफॉर्मेशन ये मिलने वाली है कि ब्राजील और इंडिया का ये क्या शो कर रहा है हमको, परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ ईयर 1962-2016, ये पूरा आंसर है इसका। फैक्टर्स का मतलब होता है आपको ये ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इस चीज को याद रख लो, कोई भी ग्राफ के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे ये हो गया, फिर उसके बाद इन विच ईयर डू यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिमिलर, इधर का कोई ये रहा है ना, यहाँ पे सेम है दोनों का जीडीपी, कौन सा ईयर है वो 1990, तो क्या लिखेंगे, इन ईयर 1990 द परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज सिमिलर। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इन द ईयर 2010 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड, ट्रेड का दिया हुआ है, ठीक है। 2010 में क्या है इंडिया का, इंडिया का है कौन सा, लाइट वाला ब्राजील का है और डार्क वाला किसका है, इंडिया का है, और 2010 में कितना था इंडिया का, इधर है ना, ये है ना 50, क्या लिखूंगा मैं 50%, परसेंटेज दिया हुआ है ना मुझे, ऊपर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो कि ये क्या दिया हुआ है अपने को, परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे तुम लोग, इन ईयर 2010 इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 50, परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिखोगे तो 50 आएगा, या तो सीधा 50%, परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 50%, ऐसा मत लिखना। इन ईयर 2000 विच कंट्रीज परसेंटेज जीडीपी इन ट्रेड वाज हाईएस्ट, 2000 में ऐसा क्या हो गया था, अपने ज्यादा रहेगा है ना, इंडिया का क्या है ज्यादा। अच्छा आप उन्हें ना इसको जो है ना पीछे छोड़े हुए दिख रहा है, 1960, 1970, 1980 तक तो हम लोग पीछे थे ट्रेड में ब्राजील से, फिर उसके बाद 1990 में अपन सेम हुए, और फिर उसके बाद जो अपन बढ़े हैं तो आज तक नीचे नहीं रहे, थैंक्स टू ये चले वाला नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया ना, इन द ईयर 2016 व्हाट इज द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, 2016 में खाली डिफरेंस पूछा है, ठीक है, डिफरेंस बताओ। चलो यहाँ पे 25 है ना, और यहाँ पे कितना है 40, कितना होएगा 15, कितना 15% का क्या है फर्क है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल के जो है ना ग्राफ्स अपने को पूछता है, देखो ये अगर तुम लोग अटेम्प्ट करोगे तो मेरे ख्याल से बेटर है, टाइम भी कम वेस्ट होगा और अपने को ब्रीफ में टाइम ज्यादा मिलेगा आंसर लिखने में अच्छे से, क्योंकि अपने को ब्रीफ में अंडरलाइन करने का है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें जो है बेटर ये है कि तुम लोग ग्राफ करो, ठीक है। चलो अभी वाला एक मैं बता देता हूँ तुम लोग को, वो अपने को कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर कितने मैन है, 1, 2, 3, 4 उसमें मैन बने हुए, और वुमेन्स कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है। वुमेन्स को कोई और कलर से बनाने का क्या, ठीक है, तो चार मैन है और कितने वुमेन है, 3 वुमेन है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक जो मैन है ना, या एक जो वुमेन है उसका नंबर कितना है, 100 है ना, एक वुमेन या एक मैन को हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं, 100 कंसीडर कर, ठीक है। तो अब हम लोग का सबसे पहले तो डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन लिखना नहीं होता तुम लोग को, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बनाना है। डेफिनेशन हम लोग का ये है कि नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, तो मेल कितने होने चाहिए, मतलब 1000 मेल कितने होने चाहिए, फीमेल कम ज्यादा होते रहेगी चलेगा, लेकिन मेल कितने होने चाहिए अपने को 1000। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मेरे पास, अगर मैं एक को 100 कंसीडर कर रहा हूं, तो मैन कितने है मेरे पास, 400 ही है ना, और मुझे चाहिए कितने
1000, तभी तो मैं इस एरिया का सेक्स रेशियो बता सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कितने मेन है मेरे पास, 4400, या तो फिर नीचे लिखो 400 मेरे पास मेल है, और उस हिसाब से फीमेल कितनी है मेरे पास, 300 है ना, 1, 2 और 3, ठीक है। ये मेरे क्या है, ये मेरा फीमेल है और ये मेरा मेल है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि मुझे मेल चाहिए कितने, तो मैं यहाँ लिखू 1000, मतलब अगर 400 मेल है तो फीमेल कितनी है, 300। तो अगर 1000 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होगी, नहीं पता, वही तो फाइंड करने का है, वही तो हम लोग का सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा ये 1000 को वहां लेके जाके क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, मैथ्स का पेपर तो हो गया, मल्टीप्लाई तो याद है ना, हो गया ये कैंसिल, ठीक है। फिर कितना आएगा, 2 जा 5 जा 1 जा 1 15 का कितना होता है, 75 और एक जीरो, तो 750 क्या रहेगी, फीमेल्स रहेगी पर 1000 मेल। तो मतलब इस पर स्क्वायर किलोमीटर का सेक्स रेशियो क्या होएगा, 750। समझ में आया, हाँ, कैलकुलेशन के बिना कैसे होएगा, देखो याद करके जाना रहता है, ठीक है। फिर ये सेम एक और क्वेश्चन है अपने को, एक और क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर कितने मेल और कितने फीमेल है काउंट करो, कितना है, 10, 8 मेल है ना, 8 मेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फीमेल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, तो क्या करेंगे अभी, कैसे कैलकुलेट होएगा, वही सेम, कितने मेल है, फीमेल कौन मेल करेंगे, फीमेल कितनी है, वही 100 ले रहे हैं अगर हम लोग एक को, तो फीमेल कितनी हुई यहाँ पे, 1000 हो गई, लेकिन 1000 चाहिए क्या रहता, मेल, और मेल कितने, 800, ठीक है, देखो हमको दबाया जा रहा है, तो चाहिए कितने, 1000, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्या करेंगे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 × 1000 / 800 = 00, 2 के डेवल में जाएगा 500, वापस 2 के डेवल में जाएगा 250, वापस 2 के डेवल में जाएगा 125 × 10 कितना आएगा, 1250। तो यहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, 1250, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 1250 पर 1000 मेल, यहाँ का सेक्स रेशियो ज्यादा है और ऊपर वाले का सेक्स रेशियो क्या है, समझ में आ गया, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड जो स्टार्टिंग में हमने बात की कि ब्राजील का सेक्स रेशियो हमेशा क्या रहा है, 1000 से ज्यादा ही रहा है हमेशा, और वही सेम चीज हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या रहा है, कम रहा है, इस चीज को याद रखो, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुम लोग को के कितना रहा है तो बता दे, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो है ना हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहा है हमेशा, ठीक है, कभी कम ज्यादा होते रहा है, लेकिन यहाँ का इन लोग का हमेशा से क्या है, मोर देन 1000 ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो एमसीक्यूज वगैरह के टाइप के क्वेश्चन है ना, जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में देखो जो पॉइंटर्स होते हैं ना छोटे छोटे, हर एक ग्राफ के नीचे ना तुम लोग को ज्योग्राफिकल रीजन एक्सप्लेनेशन वाला जो पॉइंटर्स होते हैं, जैसे देखो पेज नंबर 40 में तुम लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पर, द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना तुम लोग पढ़ के जाओ, ये सारी चीजें तुम लोग एमसीक्यू में उठा करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब अच्छे से पढ़ के जाने के लिए। देखो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिड्यूस कंसिडरेबली इन ब्राजील, हाउएवर दिस इज नॉट अ कंडीशन इन इंडिया, फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 18.2 क्रोर्स, 18.2 करोड़ पे टाइप करके दे देगा तुमको, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कितना है, समझ में। ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना छोटी छोटी डेट्स पे कितना बड़ा है, ये सब तुम लोगों को याद रहना चाहिए। और पॉपुलेशन हमेशा हम लोग कितने कितने स्पैन में नापते हैं, कितने कितने स्पैन में मेजर करते हैं, 10 ईयर्स, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर, याद रखो,
हर 10 साल में हम लोग पॉपुलेशन क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस चीज को याद रखो, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी पॉपुलेशन का ग्राफ देखे वो 10 ईयर्स के गैप पे था, 1990, 1980, 1970, 1960 ऐसे। समझ में आ गया? ठीक है, मैप मार्किंग कर लिया तुम लोग ने? मैप मार्किंग किए इंडिया का ही है, कितना भरोसा तुम लोगों को इंडिया ही आएगा? हाँ, ब्राजील का नहीं है, करो ब्राजील का भी। ब्राजील का मार्क कराया ना, ट्रॉपिक ऑफ क्या जाता है, कैप्रिकॉन जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वगैरह याद रखो। फिर उसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ, पैम्पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, फिर क्या है, पैम्पास है, और उसका कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ठीक है। फिर अमेज़न रिवर का बेसिन चाहिए अपने को, फिर साओ पोलो चाहिए, हाईएस्ट पीक क्या नाम है, पीको है ना, पीको डे नेपटीना, सही ना स्पेलिंग, ठीक है, और उसके ऊपर एक वो है नेबरिंग कंट्री, क्या नाम है उसका, नेबरिंग कंट्री ऊपर वाला जुआना है ना, एक जुआना, जुआना गुआना आपकी आने जो भी बोलना, ठीक है, फ्रेंच गुआना और गुआना जो भी है वो दोनों है ऊपर, और एक और उसके बीच में एक सूरी नेम है जो भी है उसका नाम, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, अमेज़न रिवर बेसिन में बारिश हो रही है, और वो कौन बना रहा है ज्यादा कॉफी, ब्राजील का नाम क्या जाना आप बेवकूफ लोग है ना, इधर क्या है इसका नाम, साओ पोलो और रियो, साओ पोलो रियो वगैरह में ज्यादा अपने को कॉफी मिलेगा, पूरा ब्राजील मांग कर गया, ठीक है, कॉफी। और क्या पूछ सकता है, आईएसपी हो गया, रिवर हो गया, फिर ग्रासलैंड तो हो गया है ना, ग्रासलैंड ही है ना पैम्पास, ठीक है, पंतनल है, फिर उसके बाद नेबरिंग कंट्री नीचे, अच्छा ओशन तो रह गया, एक ही ओशन है, कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन दो है ना, तो ऊपर है, तो ये अपना ब्राजील है, ऐसा ऐसा कुछ ब्राजील है, तो यहाँ वाला पार्ट जो है क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ वाला क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन है, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें जो छोटी चीजें पूछता है।